मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान के दौरान अपना जिन्ना प्रेम दिखाया है और मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया। दरअसल उन्होंने आजादी के दौरान 1947 में हुए देश को बंटवारे को लेकर कहा कि जिन्ना ने बंटवारा कर देश का भला किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिन्ना और नेहरू को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अकल से देश के दो टुकड़े किए। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू मुसलमान खिला रही है, जो हमने विकास किया वो बीजेपी बेच रही है। मोहन भागवत के अखंड भारत बनाने के बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के मुसलमान अखंड भारत में आ गए तो मोदी जी और भागवत जी आपको खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। सज्जन सिंह वर्मा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने मंदसौर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने जिन्ना को न सिर्फ आजादी दिलाने वाला बताया बल्कि उन्हें जिन्ना साहब कह कर भी संबोधित किया। कहा जाता है हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमान देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आप देख लेना, आप लोग घूमते आपकी बातचीत नजर आए। एक तरफ श्रीमान मोहन भागवत जी चित्रकूट में अभी बोल के आए हैं, अखंड भारत बनाना चाहता हूं। अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और नेपाल। आज भारत में 32 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान में 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश में 11 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया पर उन्हें कोई देर। यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को डर रहा है, मुसलमान बहुत बढ़ रहा है। यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के मुसलमान इस अखंड भारत में आ गए, मोहन भागवत जी मोदी आपको कहाँ खड़े रहने की जगह मिलेगी। एक और सुन रही बात, इन्होंने 26 जनवरी के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपने यूट्यूब पे निकाल लेना सारी बात करते हुए, आखिरी में इन्होंने कहा था कि मेरे सीने का दर्द है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस देश के दो टुकड़े किए, उसके दोषी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। ये आखिरी भाषण यूट्यूब पे निकाल लेना, आखिरी तेरा था उसका। ये तो धन्यवाद दे देश कि नेहरू और जिन्ना ने अकल से दो टुकड़े किए देश के, कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान जाना है आप मेहरबानी करके चल जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिन्दुस्तान में रहना तो आप हिन्दुस्तान में रह जाए। ये अकल का काम करो, दोष दे रहे हैं कि जिन्ना और नेहरू, और एक तरफ उनका काका बोल रहा है कि अखंड भारत बनाना। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर अब मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। विश्वास सारंग ने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तान के विभाजन के दोषी नेहरू और जिन्ना थे। उन्होंने कहा कि हम तो कहते आए हैं कि नेहरू और जिन्ना ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश के दो टुकड़े करवा दिए। विश्वास सारंग ने कहा कि जिन्ना राष्ट्रपति और नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।